हम लोग चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय ही मैं कहता था कि वो सिर्फ कहने के लिए कहते हैं कि आजमगढ़ भी मेरा घर है और इटावा भी मेरा घर है, लेकिन जब भी आवश्यकता पड़ेगी उनको, जहाँ उनका निजी स्वार्थ होगा, तो वो आजमगढ़ को छोड़ देंगे। और वही हुआ, उन्होंने छोड़ दिया। खैर, वो रह के भी कुछ कर नहीं रहे थे, तो उनके रहने छोड़ने से कोई अंतर पड़ा नहीं, क्यों जब वो थे उस दौरान भी आजमगढ़ में जितने भी कार्य थे, जो भी चीज़ें थी, वो हम लोग चिन्हित करते थे और वो मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाते थे। अब जब वो छोड़ के चले जा चुके हैं, उसके बाद भी महाराज जी का आदेश हम लोग को यही मिलता है कि आप लोग जो है एक बार वहाँ जाइए, जाकर के देखिए क्या क्या काम हुआ, क्या बाकी रह गया। और चूंकि हमारे डीएम साहब भी चेंज हुए हैं, तो बहुत सारे कार्य ऐसे थे जो हम लोगों ने उनको दिया था करने के लिए। देवारा में पुलिस चौकी करना था, फिनहिनी का एक पुल बनाना था, देवारा का पुल का बहुत टाइम से चल ही रहा है, तो बहुत सारा काम पेंडिंग रह गया जो फिर से हमको इनको भी देना है और फिर मुख्यमंत्री जी को भी सौंपना है। तो इस वजह से हम लोग जो है यहाँ पे आजमगढ़ के दौरे पे हैं और वो सारे कार्य को चिन्हित करके और मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाना है। आपका नाम आ रहा है तो क्या कहेंगे? बिल्कुल, मेरा नाम आ रहा है और मैं जब मुझे लड़ने के लिए आदेश मिलेगा तो मैं लड़ूंगा भी, क्योंकि जब अखिलेश यादव आए तो उनसे लड़ने से पीछे हटे ही नहीं, तो अब कोई आ जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता है कि मेरी पार्टी अगर मेरे लिए चाहेगी कि मैं चुनाव लड़ूं, तो मैं पीछे तो नहीं हट सकता, मैं तो लड़ सकता हूं जी। अच्छा, आजम खान के मामले में जिस तरीके से अखिलेश चुप्पी साधे हुए, क्या कहेंगे? देखिए, अखिलेश यादव जी की जहां तक बात करेंगे, उनको मैं जितना जानता हूं, जितना समझता हूं, वो सिर्फ और सिर्फ खुद के अलावा किसी के बारे में सोचने वाले इंसान नहीं है। चाहे वो उनके पिता हों, चाहे उनके चाचा हों, चाहे उनके भाई हों, चाहे उनकी भाभी हों, चाहे उनकी बिरादरी हो, चाहे उनका प्रदेश हो, चाहे उनका देश हो। एक बार गलती से वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ गए थे माननीय नेताजी की वजह से और शिवपाल जी की वजह से, और तब से वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतर तो गए, लेकिन दिमागी रूप से आज तक नहीं उतर पाए। आज तक उनको लगता है कि वो मुख्यमंत्री हैं, उसी तेवर में रहते हैं, उसी तरह वो अपने कार्यकर्ता से, अपने लोगों से बिहेव भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि कोई भी उनके पार्टी का कार्यकर्ता अगर परेशानी में है या जैसे भी है, तो अगर वो उम्मीद रखता है कि उसके लिए वो कुछ करेंगे, तो वो कुछ करने वाले नहीं हैं। वो सिर्फ अपने लिए ही करते हैं और वो किसी के लिए कुछ नहीं करते। तो चाहे वो आजमगढ़ की जनता हो, चाहे आजम खान हो, चाहे वो शिवपाल जी हों, जो लोग भी समाजवादी पार्टी के लिए कुछ भी किए हैं, अगर उनको लगता है कि अखिलेश यादव उनके लिए खड़े रहेंगे, तो वो नहीं रहेंगे। अच्छा, लगातार चाचा शिवपाल को जिस तरीके से इज्जत दिया जा रहा है, हाँ।